इसलिए उससे वंचित हो गए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित, यही स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12,000 रुपए शौचालयों के लिए दिए, हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग छूट गए जिनके नाम भी सूची में नहीं जोड़े गए। आज भी हम गांव में जाते हैं, सब हमारा नाम सूची में नहीं जोड़ रहे, खाद्य सुरक्षा में सूची में नाम नहीं जोड़ रहे, लोग वन राशन एक ही कार्ड के ऊपर, वन नेशन वन राशन, हिंदुस्तान के किसी कोने में उस कार्ड के बेस के ऊपर आदमी राशन ले सकता है, लेकिन जो सूची में नाम नहीं होगा, खाद्य सूची में उसका नाम नहीं जुड़ेगा, सुरक्षा सूची में, उसको लाभ कैसे मिलेगा? तो ये इन्होंने अपराध किया। इसके साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूं जल जीवन मिशन में, लेकिन 50% राजस्थान भारत सरकार का, 40% राजस्थान की गवर्नमेंट का और 10% जनसहभागिता का, इन्होंने जनसहभागिता का पैसा इकट्ठा कर लिया, हमारा पैसा भी आ गया, लेकिन 40% पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है, इसलिए केवल 6,500 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। तो ये इनकी स्थिति है, मैं आपसे निवेदन करूं, चाहे वो किसानों को और सुविधा देने की बात थी, उसमें भी इन्होंने ये किया, हमने 500-500 रुपए में कनेक्शन दिए, बिजली की ढाणियां ढूंढ ढूंढ करके, जहां भी ढाणियां थी 500 रुपए के अंदर 3-3, 4-4 किलोमीटर पर जाकर के हमने पैसे जमा करवा लिए। लाखों किसान आज भी इस इंतजार में है कि अशोक गहलोत सरकार ने कनेक्शन देने के लिए हमारे से पैसा जमा करवाया।